Hello friends, good evening. Today we are going to discuss a new chapter and having a new topic, factoring and forfeiting. Factoring और forfeiting दोनों similar से terms हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें difference है. अगर आप factoring अच्छे से समझ गए हैं तो forfeiting भी easily समझ जाएंगे. Factoring में basically क्या होता है? Factor is an agent who do wholesale by account receivables. एक्चुअली क्या है कि फैक्टर एक मीडिएटर या एजेंट के रूप में काम करता है, जो कि हमारे डेब्ट कलेक्शन में हेल्प करता है. वर्किंग कैपिटल साइकिल को तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, कि आप पहले रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं, और उसके कुछ टाइम बाद आपको उसकी कॉस्ट मिलती है. तो उस टाइम पीरियड में कुछ टाइम लैप्स हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप आज ही पैसे से खरीद के लाएं, रॉ मटेरियल अभी बेच दें तो आपको एकदम से पैसा मिल जाए. टाइम लगता है, जो उनकी करोड़ों में डीलिंग होती है तो उसको बहुत टाइम लग जाता है रिकवर करने के लिए पैसा. तो इसमें ना बायर सेलर के बीच में एक मैकेनिज्म आता है फैक्टरिंग. एक फैक्टर जो पर्सन होता है वो हेल्प करता है आपकी इस डेब्ट को आपका रेज करने में. फ्रेंड्स, तीन लोग काम करेंगे इसमें, बायर सेलर और फैक्टर. और यही जो फैक्टर होगा ये आपको क्या करेगा, पैसा दिलवाएगा आपके जो इनवॉइसेस जो भी क्रिएट हुए हैं उसमें, ठीक है. तो और फॉरफिटिंग आप समझ लीजिए कि ये जो ये काम कर रहे हैं सारा कुछ, जो फैक्टरिंग यहाँ हो रहा है इंडिया में, वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है. तो दैट इज़ कॉल्ड इज फॉरफिटिंग. बस फॉरफिटिंग में और कुछ नहीं पढ़ना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है. बस फैक्टरिंग को और अच्छे समझेंगे. फैक्टरिंग में क्या होता है कि आप को एक बीच में मीडिएटर मिल जाता है फैक्टर. आप क्या करेंगे, सामान बनाएंगे, इनवॉइस रेज करेंगे, एक इनवॉइस सेलर को भेज देंगे और एक भेज देंगे फैक्टर को. तो फैक्टर आपको क्या करेगा, 85% या 80% जितना कि आप कमिटमेंट होगी पहले से, तो उतना परसेंटेज आपको मिल दे देगा. और जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ अमाउंट है, जो आपकी पेमेंट फुल आ जाएगी सेलर से, सॉरी बायर से. सेलर तो सेल करेगा, बायर बाय करेगा, तो जिसने खरीदा है उससे आ जाएगी. तो ये पैसा सेलर को कुछ अपना कमीशन काट के दे देगा. तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पहले क्या करेगा ये, एक तो एज अ बीच में आपको पैसा प्रोवाइड करेगा वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है. दूसरा क्या करेगा, आपका रिस्क झेलेगा. ये हो सकता है जिसने बाय किया है वो कुछ टाइम बाद आपका पैसा दे, इमिडिएटली ना दे, तो वो टाइम पीरियड जो लैप्स होगा वो उसका लॉस जो भी होगा एज अ परसेंटेज लॉस जो होगा वो आपका फैक्टर झेलेगा. तीसरा क्या है कि लेजर मेंटेनेंस, कि कितना पैसा आपने इनवॉइस बनाई है, क्या दिया है और कितना रिकवर हुआ है, वो सारी चीज़ें फैक्टर मेंटेन करता है. टाइप्स ऑफ फैक्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है फैक्टर हमें सर्विसेज देता है और उसके बदले हम हमारे से कमीशन लेता है. फैक्टरिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ क्रेडिट बिल्स इंटू कैश, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टरिंग. फैक्टरिंग जो है ये काफ़ी सारी सर्विसेज देता है, जैसे इनवॉइस बनाएगा, परसेंटेज पे हमें जो है पैसा प्रोवाइड कराएगा, ये सब चीज़ें हैं फैक्टरिंग की. बेनिफिट्स इसके अगर देखी जाए फैक्टरिंग के, तो यही है कि आपको इंस्टेंट मनी मिल जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपने सिर्फ इनवॉइस रेज करनी है और आपको पैसा मिल जाएगा, बाकी अपने आप को उसकी टेंशन है. कमीशन बहुत कम होता है फैक्टर का, इतना ज़्यादा नहीं होता है, और आपको सिर्फ इनवॉइसेस के अगेंस्ट पे किया जाता है और फुल सर्विस.